इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपने मतलब हजारों चेहरों को आकार दिया है और स्वयं भगवान को आकार दिया है। कई लोग हैं गॉड्स एडवोकेट हैं, जैसे कि पाराशरण जी हैं और या विष्णु शंकर जैन या हरिशंकर जैन हैं। आप अब कितने कॉन्फिडेंट हैं कि दोबारा बनाएंगे तो ऐसा रेप्लिका बना पाएंगे? नहीं नहीं बना नहीं सकते इसको, क्योंकि मैं क्या फील हो गया ना, वो पहला विक सृष्टि है, अभी इधर मूर्ति निर्माण हुआ है, उस वक्त वो अलग दिखता था, बाद में अंदर जाने के वक्त मेरे मेरे को ऐसा महसूस हो गया ये अपना वो नहीं है जो पैलेस पैलेस के अंदर बच्चा रहा है। उस वक्त में हम लेके अंदर जा रहा था, वो ऐसा हाँ। फील हो रहा था मेरे को। और प्रतिष्ठापन होने के बाद मैं उधर ही था, 10 दिन ऑलमोस्ट आई स्पेंड टाइम विद इन द गर्भगृह, इंस्टॉलेशन का दिन रहा था, कुछ मार्किंग देना था, अलंकार होने के बाद मैं उसके सामने बैठा था, ऐसा ही मेरे को लगा ये मेरा काम नहीं है। आप भी अपने लाल को नहीं पहचान पाए जिसको आपने गढ़ा 7 महीने अपने मतलब गर्भ की जगह आपने हृदय के गर्भ में रखा, उसको आप नहीं पहचान पाए? नहीं नहीं, वो बहुत चेंज हो गया, वो अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। मैं मेरा साथ कोई 2-3 लोग बैठे थे, उनके साथ मैं एक्सचेंज किया है, बाद में नहीं बहुत अलग दिख रहा है, पता नहीं ये मेरा काम नहीं है, और उन्होंने अलग रूप ले लिया अंदर जाके। ऐसा मैं सभी फील कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं जैसे, मेरा काम जैसे नहीं दिख रहा है, एंड आई एम श्योर आई कांट रिपीट इट अगेन। बहुत सारे लोग, आम जनता ये सोच रही है कि आप उनके छोटे रेप्लिकाज भी ऐसा बनाएंगे, ऐसी कुछ योजना है क्या? बाद में सोचता हूँ, पहला अभी तो आप उबर नहीं पा रहे हैं, आनंद आपके अंदर। मैं बहुत कंपोज था, मैं आनंद नहीं हुआ था, मगर 2 दिन के बाद अभी इतना प्यार आ रहा है ना, आनंद आ गया, ये मेरा सेलेक्ट हुआ वो भी चिंता नहीं था, मगर देश को अच्छा लगना था, वो लग गई अभी। और क्या बोलूं, उनका आशीर्वाद है। मेरा जैसा मौका सब आर्टिस्टों को मिल हमने देखा है कि आपने जैसे बातचीत शुरू की आपने पादुकाएं उतार दी और आप ऐसे ही बिल्कुल नहीं, वो पहला राम को दिखाने से पहले हमको मानना है वो इस पत्थर में आता है, सो वी हैव टू बिलीव दैट हम लोग राम का निर्माण कर रहे हैं, वो राम आएगा पत्थर के रूप में और वो इधर इधर स्थापित होगा, सो वी हैव टू बिलीव दैट फर्स्ट, दैट आई वांट फर्स्ट मेरा अंदर मेरे को देखना था पूरा देश से पहले मेरे को मौका मिला देखने के लिए, और मैं बात करता था देखना है आपको, दर्शन दे दीजिए। सो ही इज गिविंग द इंफॉर्मेशन लाइक दीपावली के समय पर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया, और कुछ देखता था क्या करेंगे, कुछ फोटोज ऐसे ही बाहर आ गया, पुराना 400 साल पुराना एक वस्त्र के लिए मेरे ढूंढ रहा था, ऐसे ही मैं देखते समय पर कुछ आ गया, सो ऐसा बहुत कुछ चीज हो चुका है। और हमारा शेड पे भी ऐसे ही हनुमान जी हर दिन 5-6 बजे आ रहे थे, तालाब जोर से नॉक करते थे, सो ऐसा कुछ ऐसा कुछ होता था मेरा। हाँ, ऐसे अद्भुत अनुभव बीच बीच में कुछ आए? हाँ, बीच बीच में हो रहा था, कुछ रिकॉल कर पा रहे? सो हर दिन हम आई स्टिल बिलीव दैट अराउंड 4 to 5 o'clock एक बंदर मॉर्निंग इवनिंग वो बंदर आते थे, देखते थे, ऐसे ही चले जाते थे अंदर आके। सो बाद में हमने थोड़ा कोल्ड ज्यादा हो गया, थोड़ा जगह तो वो भी बंद किया, पर्दे लगा दिया, बाद में इतना जोर से वो डोर ओपन करके आ रहा था अंदर, वही बंदर रोज। हाँ, और रोज पता नहीं वही या नहीं, मगर 4 to 5 बजे के अंदर वो आते थे, मैं ये बात बता दिया था चंपत जी को भी, ऐसा हो रहा है पता नहीं क्यों, मगर पता नहीं उनका भी कुछ देखने का मन था शायद, हनुमान जी को दर्शन करने थे रोज प्रभु के कि कैसे आकार ले रहे हैं। यस। और इसके अलावा सपने में कभी आपको ऐसा कुछ होता था? सर हम ठीक से सो नहीं पाए 7 महीने से, क्योंकि सोने के बाद भी हमको ऐसे ही सोता था उनका दर्शन मिले, और प्रॉपरली आई एम नॉट एबल टू स्लीप फ्रॉम पास्ट 7 months, सो एंड वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन प्रेजेंट आवरसेल्फ, यू नो, हर सेंटीमीटर देश को कैसा दिखाएंगे, सो वी आर ट्राइड, हमने पूरा कोशिश किया है हर सेंटीमीटर आर्ट के विजुअली हमारे देश को समर्पित करने के लिए,
देश को पसंद आ गया ना, वो बड़ी बात है। कहते हैं कि जिन पर कृपा राम करें तो पत्थर में बन जाते हैं, तो आप पे राम की कृपा हुई और पत्थर में समा गए प्रभु। नहीं, हम विश्वकर्मा कम्युनिटी यही काम करते आ रहे सेंचुरीज। एक हमारा साइड कहानी है, राम के स्पर्श से पत्थर पुल बन गई, शिल्प की पाद से पत्थर भगवान बन गई। सो हमारा मेरा नीचे आना यही हमारा शायद भगवान इसलिए भेजा है हमको, ये काम करके आ जाओ। आपको इसलिए अवतार दिया है कि आप भगवान का अवतरण कर सकें? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मगर मैं एक साधन इंस्ट्रूमेंट, आई एम द इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। हमारा भावनों को बीच में मेरे हाथ से वो बनवाता है बस। नॉट टिल आई हैव डन दिस आई क्रिएटेड द गॉड, नो, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, वो खुद हो जाता है, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है हम बस। यानी जादू टोना कुछ तो किया है आपने उसमें? नहीं, हम इतना प्यार से किया है ना, वो दिल से लेके किया है, बहुत क्या बताऊं मैं तो, बात करने में थोड़ा मुश्किल है मेरा, बट आई कांट एक्सप्रेस, बट बहुत बहुत चाहता था मैं देखने के लिए बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जय जय हो।